Good morning, students. In this video, we will discuss our 7th chapter of SST, India, the National Symbols. Independence and sovereignty of is symbolized by its national flag. किसी भी कंट्री का इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी या उत्थों की जड़ी प्रभु सत्ता कि उत्थे किद्दां दे लोग ने किद्दां दी सरकार है वो सारा कुछ उत्थे दे जड़े नैशनल सिंबल्स ने वो सिंबलाइज करते हैं उन्होंने दर्शाते हैं ठीक है उदे नैशनल फ्लैग दे द्वारा मेनली वो दर्शाया जाता है किसी भी देश का सिर्फ एक नैशनल फ्लैग नहीं इस तो बिना होर भी बहुत सारे नैशनल सिंबल्स ने जिदा कि नैशनल एम्बलम नैशनल एंथम नैशनल सोंग नैशनल एनीमल नैशनल बर्ड नैशनल फ्लावर नैशनल ट्री नैशनल फ्रूट नैशनल रिवर ये सारिया चीज़ा किसी भी देश की जी आज़ादी आ जो उतों का कल्चर है उस चीज़ को दर्शाते हैं सो वी मस्ट कीप द प्रेस्टीज ऑफ आर नैशनल सिंबल्स हाई एट एनी कॉस्ट तो सानू अपने देश के जोड़े नैशनल सिंबल्स ने उन्होंने सम्मान करना चाहिए या उन्होंने मान को हमेशा उपर रखना चाहिए एट एनी कॉस्ट नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दीज फर्स्ट ऑफ ऑल नैशनल फ्लैग आवर फ्लैग इज कॉल्ड ट्राई कलर साडे जोड़ा देश का नैशनल फ्लैग है उन्होंने अभी ट्राई कलर या तिरंगा बोलते हैं और उसकी जिहड़ी शेप है वो हॉरीजोंटल एंड रेक्टेंगुलर फ्लैग है हॉरीजोंटल मीन्स लैफ्ट टू राइट वाल उसकी जिहड़ी लेंथ है वो ज़्यादा होंगी है एंड रेक्टेंगुलर मीन्स उसकी टू साइड्स ने जिहड़ी उन्हां दी लेंथ ज़्यादा होंगी और टू साइड्स भी घट लेंथ होंगी है एंड देयर आर थ्री डिफरेंट कलर्स इन आर नैशनल फ्लैग सैफरन फर्स्ट सब तो जिहड़ा उपर कलर है वह है सैफरन जिन्हों असी केसरी कहने हैं एंड इट स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रीफाइस वो की दर्शाता वा कि असी किन्ने साहसी हाँ इस देश के जोड़े लोग ने किन्ने साहसी ने और किस तरह नाल सैक्रीफाइस मीनस कुर्बानी दे सकते हैं दैन ऑन द सैकेंड वाइट वाइट स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस सेंटर जोड़ा कलर है वह है वाइट और वाइट स्टैंड करता फॉर ट्रुथ एंड पीस शांति सच्चाई दे एंड ऑन द लास्ट ग्रीन ग्रीन स्टैंड फॉर प्रोस्पैरिटी जिहड़ा लास्ट ते हरा कलर है हरा कलर स्टैंड करदा फॉर प्रोस्पैरिटी खुशहाली किसी भी देश की देयर इज अ व्हील और चक्र ऑफ नेवी ब्लू कलर हैज 24 स्पोक्स और तिरंगे दे बिल्कुल सेंटर च जिहड़ा वाइट पार्ट आ उहदे सेंटर दे विच एक नेवी ब्लू कलर का चक्र वा एक व्हील आ और 24 स्पोक्स ने 24 लाइनस ने ठीक है इट स्टैंड फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस वो दर्शाता वा कि असी दिन के 24 घंटिया के किदा अपने आप को मोशन के रखना और किस तरह काम करते हुए असी अपनी प्रोग्रेस करनी है और जदों भी तुसी नैशनल फ्लैग की गल करते हो तो तुहानू कुछ चीज़ा ने जिहड़ियां वो हमेशा अपने दिमाग च रखनिया चाहीदियां ने फस्ट द सैफरन बैंड शुड बी ऑन टॉप जिहड़ा केसरी रंग आ वह हमेशा तिरंगे का उपर ही होना चाहिए फ्लैग शुड बी होस्टेड एट राइट साइड फ्लैग आ जिहड़ा वह हमेशा सज्जे पासे जिहड़ा होस्ट होना चाहिए उधर नू फैलिया होना चाहिए फ्लैग शुड बी अनफोल्ड एट द टॉप ऑफ मास्ट जिहड़ा फ्लैग आ वो जिहड़ा मास्ट मीन्स जिस जिहड़ा वो डंडा होंदा ठीक है पोल जिन्हों असी बोलते हैं जिदे उपर तिरंगे नू लहराया जाता वा तो उदे बिल्कुल उपर होना चाहिए वा इट मस्ट बी कैरिड इन फ्रंट ऑफ प्रोसैशन जदों भी तुसी किसी इकट्ठ दे विच जिहड़ा साडा नैशनल फ्लैग आ उन्हों तुसी होस्ट करना वा तो हमेशा उदे जिन्हें भी लोग उत्थे ने उन्होंने फ्रंट ते होना चाहिए उस प्रोसैशन के फ्रंट के उपर होना चाहिए उन्होंने अगे वी मस्ट स्टैंड अटेंशन एंड सल्यूट इट सानू अटेंशन पोजिशन के खड़े होना चाहिए वा तो उन्होंने सल्यूट करना चाहिए वा दैन फ्लैग इज नैवर होस्टड आफ्टर सनसैट जदों शाम को सूरज छुप जाता वा तो कदे भी उस तो बाद जिहड़ा फ्लैग आ होस्ट नहीं हुंदा फ्लैग नू उस तो बाद लहराया नहीं जाता है नैक्सट वन इज नैशनल एम्बलम
इट इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम की आ, कोई भी गवर्नमेंट के जेडे डॉक्यूमेंट्स ने उन्होंने उपर ए वाला जेड़ा साइन आदा मिलता सानू बनया हो। ठीक है, तो यह एक तरह नाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील आ कि ए जिस भी डॉक्यूमेंट के उपर ए लग्या होगा दैट मीनस वह गवर्नमेंट वालों तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट है। Our national emblem was adopted on 26 January 1950 from the loin capital of the pillar erected by Emperor Ashoka. Jeda sada national emblem a o 26 January 1950 nu as a national emblem adopt kita gaya si, onu manya gaya si. Aur e originate kitho hoya va? Loin capital of the pillar erected by Emperor Ashoka. जेरे एक अशोका राजा सीगे उन्हां दे जेड़ा उन्हां दा मतलब शासन सीगा जे जिस थे वो राज करदे सीगे उत्थो लिया गया है लॉयन कैपिटल तो। उदे विच फोर लॉयन्स ने चारों साइडा के उपर चार लॉयन्स बैठे ने, द लॉयन्स गार्ड फोर साइड्स। जेरे वो लॉयन्स ने उन्हां दा मतलब किया कि वो चारों साइड तो लॉयन्स ने जेरे प्रोटेक्ट कर रहे ने। They are symbol for courage and power. और वो दर्शाते ने साहस न। ठीक है, किन्ने असी साहसी हाँ तो किन्नी साढ़े अंदर जी पावर आ। The base of loin has a galloping horse on the left. ते उदे नीचे जेड़े loins ने उन्हां दे नीचे एक हॉर्स बनया होया वा, galloping horse। galloping means कि जिदिया जिस घोड़े जदों दौड़ रहा वा जदों दियां चारों जिहड़ियां लैग्स ने वह हवा के विच होणगियां, कि वह लैफ्ट हैंड साइड से बनया होया और वह रिप्रजेंट करता वा एनर्जी एंड स्पीड नू, कि सानू अपना काम पूरी एनर्जी नाल पूरी स्पीड दे नाल करना चाहिए। दैन अ माइटी बुल ऑन द राइट, और दूसरी साइड से एक बुल मीनस जेड़ा बल्द हुंदा वह बनया होया वा और वह रिप्रजेंट करता वा हार्ड वर्क नू, कि सानू लगातार मेहनत करती रहना चाहिए वा। देयर इज अ व्हील ऑफ लॉ, और जेड़ा हॉर्स एंड बुल आ उन्होंने इन बिटवीन एक चक्र बनया होया, एक व्हील बनया होया, उन्हों असी कहने व्हील ऑफ लॉ, कानून का चक्र। और सब तो नीचे एम्बलम के उपर लिखा हुंदा वा सत्यमेव विजय, सत्यमेव जयते। ठीक है, विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मीन्स सच्चाई आ जेड़ी वह हमेशा जितती आ। ठीक है, और वह जेड़ा लिखा हुआ वह हिंदी दे विच लिखा हुंदा, और हिंदी नूं असीं बोलदे आ देवनागरी। ठीक है जी, तो देवनागरी स्क्रिप्ट दे अंदर वह सत्यमेव जयते लिखा हुआ। नैक्सट वन इज नैशनल एंथम, जनगण मन इज आर नैशनल एंथम and is adopted as national anthem on 24th January 1950. Jan Gan Man sada national anthem a, aur inu as national anthem adopt kita gaya si 24th January 1950 de andar. Aur inu, it was composed by Rabindranath Tagore, aur inna jeda national anthem a sada Jan Gan Man, inu likhan wale jede sige usi Rabindranath Tagore. नेक्स्ट वन इज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम इज आर नेशनल सॉन्ग एंड इट इज रिटन और कंपोज बाय बैंकम चंद्र चैटर्जी। क्या जिन्हों की पिक्चर तुम देख सकते हो इतने, बैंकम चंद्र चैटर्जी इन्होंने लिखा सी, एंड आफ्टर दैट इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय श्री अरबिंदो घोष। उस तो बाद इनू इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया बाय श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट वन इज नेशनल एनिमल, रॉयल बंगाल टाइगर इज आर नेशनल एनिमल एंड इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी ग्रेस स्ट्रेंथ एंड पावर। रॉयल बंगाल टाइगर आ जेड़ा वो साडा नेशनल एनिमल आ, और ये जानिया जांदा वा अपनी खूबसूरती दे लई, अपनी ग्रेस दे लई, ते अपनी जेड़ी उहदी स्ट्रेंथ आ मतलब वो बहुत पावरफुल आ। ठीक है, उहदे लई। नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड पीकॉक, पीकॉक इज आर नेशनल बर्ड, इट इज कलर्ड विद ब्लू ग्रीन शाइनी एंड वेलवेट लाइक फैदर्स। जेड़े उहदे खंभ हुंदे ने वो ब्लू ग्रीन शाइन बहुत ही चमकीले जे हुंदे आ, वेलवेट लाइक फैदर्स हुंदे आ। ते बहुत सारिया जगह दे उपर इनू असी मतलब लोग ने जेड़े पूजते हैं,
ठीक है, इनू धार्मिक मनिया जाता। इन सम प्लेसिस इट इज कंसीडर्ड एज सैकर्ड, मीन्स उठे लोग इसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फ्लावर लोटस। लोटस इज आर नेशनल फ्लावर, इट इज आ सैक्रेड फ्लावर, ये भी एक मतलब पूजा दे जो जरा फ्लावर आ वो है। और ये स्टैंड करता वा फॉर ट्रुथ नॉलेज एंड वेल्थ, सच्चाई दे ले साड़ी जानकारी दे ले ते जड़ी वेल्थ साडे कोले जड़ा धन राशि है वो दे ले। नेक्स्ट इज नेशनल ट्री बनियान। बनियान इज आर नेशनल ट्री, जिहड़ा आपां पिंडां च वी देखदे आ बोड़ दा दरख्त हुंदा, ठीक है, बरोटा वी कहिंदे आ उहनूं। बनियान ट्री इज आर नेशनल ट्री, इट इज ऑल्सो अ सैक्रेड ट्री, ये भी एक पूजन योग जिहड़ा दरख्त आ या ट्री आ वो है। इट स्टैंड फॉर स्प्रैड ऑफ इंडियन कल्चर, जिस तरह नाल जिहड़ा बनियान ट्री आ वह बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा और उहदियां जिहड़ियां ब्रांचेस हुंदियां ने वह बहुत दूर तक फैलियां हुंदियां ने। ये रिप्रेजेंट करता वा इंडियन कल्चर नूं कि इंडियन कल्चर आ जिहड़ा वह किन्ना वास्ट आ, किन्ना फैलिया होया वा, ठीक है। अलग अलग जिहड़े कल्चर के लोग ने असीं इकट्ठे इंडिया के अंदर रहने, ठीक है, तो ये जिहड़ा बनियान ट्री है उहनूं रिप्रेजेंट करता। नेक्स्ट इज नेशनल फ्रूट मैंगो, इज आर नेशनल फ्रूट एंड इट स्टैंड फॉर आर गुड टेस्ट एंड इट्स रिचनेस। मैंगो आ जिहड़ा वह साडा नेशनल फ्रूट आ और मैंगो आ जिहड़ा वह डिफरेंट डिफरेंट साइज़ दे विच ते डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे विच उहदियां बहुत सारियां टाइप्स ने जिहड़ियां सानू मिलदियां ने, ठीक है। एंड इट स्टैंड फॉर आर गुड टेस्ट एंड इट्स रिचनेस, और ये स्टैंड करता वा ये वधिया टेस्ट दे लई ते इहदी रिचनेस, मतलब ये जिहड़े बाकी फ्रूट्स ने ये उहनां दे नालों ज़्यादा जूसी ज़्यादा पल्पी हुंदा, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज नेशनल रिवर द गंगा। गंगा इज आर नेशनल रिवर, ठीक है, इट इज द लोंगेस्ट रिवर, इंडिया की सब तो लंबी रिवर आ जी। एंड इट ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री, और ये जी स्टार्ट होंगी जितों चलना स्टार्ट करती है वो गंगोत्री तो स्टार्ट होंगी। इट इज सैक्रेड, इट इज ए ऑलसो जी गंगा रिवर आ भी एक सैक्रेड रिवर आ, ठीक है, इनू भी लोग पूजते हैं जिमें आप गंगा माता कहने, ठीक है जी। मैनी इंडस्ट्रीज एंड हॉली सिटीज डिवेल्प ऑन इट्स बैंक्स। बैंक्स मीनस वे किनारियों के उपर बहुत सारिया जड़िया इंडस्ट्रीज ने जिन्हों के पानी की ज़्यादा जरूरत होंगी, तो वह पानी की जरूरत न पूरा करने के किनारियों के उपर ही बहुत सारे जड़े इंडस्ट्रीज ने लग गई, तो उसका पानी यूज कर लेंगे। हॉली सिटीज मीनस जे धार्मिक स्थान ने, ठीक है, बहुत सारे धार्मिक जोड़े शहर ने वह भी गंगा के किनारियों के उपर बसे हुए ने। इट स्टैंड फॉर इट्स कॉन्टीन्यूटी, जिमें आप पहला क्या कि इट इज़ द लोंगेस्ट रिवर, तो लगातार चलती रहती है, एक बार शुरू होकर पानी लगातार चलता रहता, तो यह स्टैंड करती है फॉर इट्स कॉन्टीन्यूटी, और यह सानू दसती है कि सानू कदे भी रुकना नहीं चाहिए, लगातार जिदा पानी चलता उस तरह के नाल चलते रहना चाहिए। ये सीगा जी तुहाडा चैप्टर 7 आर नेशनल सिंबल्स।